फ़ोन में तो नोटिफिकेशन आते रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी लगता है कुछ कुछ ऐप का नोटिफिकेशन नहीं आने से अच्छा है, क्योंकि ये जो टास्क बार है ये बार हमेशा फुल रहता है, बा कभी भी नोटिफिकेशन आता है तो ये हमेशा देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। आप चाहो इसको हटाना चाहते हो जो नोटिफिकेशन, मेरा जो पसंदीदा ऐप है उसी ऐप का ही नोटिफिकेशन आया है, बाकी ऐप का नहीं आया, तो इसके लिए करना क्या है? बहुत आदमी को पता है लेकिन कुछ आदमी को पता नहीं है इसको बंद किया कैसे बंद किया जाता है, तो मैं वही आज आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं सॉल्यूशन मास्टर गबलू, मेरा चैनल में आप सभी को स्वागत है। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद हमको जाना है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में जाने के बाद देखिए, यहाँ पे मैं सेटिंग में गया, नोटिफिकेशन में गया, लेकिन आपका फ़ोन में कुछ दूसरा ही ऑप्शन रहेगा, आपको आपका फ़ोन का अनुसार निकाल के नोटिफिकेशन में जाना है। नोटिफिकेशन में जाने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन का जो ये है ऑप्शन है, यहाँ पे आपको टच करना है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप टच करोगे तो अंदर जाओगे, अंदर जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे सभी ऐप का, आपका पूरा सिस्टम का जो मतलब आपका फ़ोन में का सभी नोटिफिकेशन बंद करना है तो आपको यहाँ पे टच करना है इधर, तो आप यहाँ पे टच करके आपका नोटिफिकेशन बंद कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे टच करके बंद नहीं करूँगा, मेरे को एक एक ऐप का बंद करना है। तो यहाँ पे आपको ऐप एक एक ऐप बंद करने के लिए यहाँ पे टच करके आके आपको पूरा ऐप इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी ऐप में आप चाहो तो एक एक करके नोटिफिकेशन बंद कर सकते हो जो चाहे तो, और नहीं तो पूरा ओपन कर सकते हो। तो आपका जो ज़रूरत नहीं है उसका नोटिफिकेशन बंद कर दो, और जो आपका ज़रूरत है उसका नोटिफिकेशन ऑन रखो। तो आज के लिए इतना ही, ये टिप आप लोगों का काम में आएगा तो ज़रूर मेरे को कमेंट में लिख के बताइएगा। चलिए, गुड बाय।